नमस्कार, नाम है हमारा गोपाल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। इस समय कर रहे हैं आपसे बात और बात करेंगे एंट्रेंस के बारे में। एंट्रेंस, और भी JNU का एंट्रेंस सुनकर ही लोगों को लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा एंट्रेंस होगा ये, पर चिंता मत कीजिए, JNU एंट्रेंस भी अपनी पैटर्न को बदल चुका है, अपने जो पुराने पैटर्न से उससे बाहर आ गया है और अब उसने भी शुरू कर दिया है MCQ एग्ज़ाम। JNU की एक ख़ास बात है कि JNU अपनी भाषा में आपको एग्ज़ाम देने का मौका दिया करता था, जो कि अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में ही सिर्फ एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा चेंज है ये। आप लोग पैनिक मत होइए, क्योंकि JNU या फिर कोई भी एग्ज़ाम वो तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक आप अपनी शक्ति को ना पहचाने। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे, कुछ चुनिंदा पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो शायद आपका एग्ज़ाम निकल जाए। पहला है, आप अपनी शक्ति को पहचाने, क्योंकि आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि आपकी शक्ति क्या है और आप अपने आप को कितना समझते हैं। जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, अपने आप से सवाल नहीं पूछेंगे, अपने आप को क्यूरियोसिटी नहीं रखेंगे, तब तक आप अपने काम में सफल होना संभव नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमेशा अपने समय का ध्यान रखें। चाहे आप 1 घंटा पढ़ें, चाहे आप 2 घंटा पढ़ें, या फिर जितना भी हो, लेकिन प्रोडक्टिव हो। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, इसलिए दिमाग को भी ज़रूरी है कि रेस्ट मिले। अर्थात आप उतना ही पढ़ें जितना आपका दिमाग चाहता है, क्योंकि इससे ये होगा कि आप जो पढ़ेंगे वो प्रोडक्टिव आएगा और इससे आपको रिज़ल्ट भी जल्दी मिलेगा। तीसरा, कि आप अपने रिसोर्सेज पर रिलाय करें, क्योंकि कई बार ये दिक्कत होती है कि रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जो रिसोर्सेज हैं उनको भी हम भूल जाते हैं, उन पर रिलाय नहीं करते। अर्थात ये भी ज़रूरी है कि हम अपने रिसोर्सेज पर रिलाय करें, जो भी हमारे पास है, जितना भी है, उस पर हम पूरा विश्वास करें और ज़्यादा फोकस किसी और पर ना करें। कल को कोई और बुक बता देता है, हम तुरंत उस पर चले जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, हम इसको छोड़े ना। हमारे पास जो है हम वो करेंगे, दूसरे 4 दिन बाद आके बताएंगे और 4 दिन आपके एग्ज़ाम में बचे हैं, आप क्या करेंगे? उसको पढ़ने तो नहीं जाएंगे ना। ऐसे में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, कृपया करके ऐसा ना करें। इसके बाद किसी की गाइडेंस, कोशिश करें कि किसी जानकार व्यक्ति से सलाह मशवरा करें, उससे बातचीत करें। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये भी मिल जाए तो फिर बात ही क्या। उसके बाद, ये सब करने के बाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेज आता है कि जब आप इन सब की तैयारी करते चलें तो आप अपने आप को टेस्ट करते रहें। दूसरे लोग टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करते हैं या फिर और भी कुछ ज्वाइन करते हैं। आजकल संस्थानें ज़्यादा से ज़्यादा फीस बटोरने के चक्कर में रहते हैं। उनसे बढ़िया, बहुत बढ़िया और पुराना नुस्खा है कि आप अपनी चीज़ों को राइट करें और याद करें। अर्थात पहले पढ़ें, फिर लिखें और फिर उस पेपर को फाड़ भी दें, क्योंकि ऐसा करते करते जैसे आप करने लगेंगे तो आपकी मेमोरी बिल्कुल शार्प हो जाएगी और आप वो चीज़ भूलेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा सत्य है, इसको अगर कोई अपनाए तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़िंदगी में कभी मात खाएगा। लोग कहते हैं नोट्स बनाएं, नोट्स बना के फिर उसे पढ़ें। याद करने में बहुत दिक्कत होती है, आज तक ज़िंदगी में हमने कभी नोट्स नहीं बनाए हैं, लेकिन क्योंकि याद करने के बाद फिर लिखते हैं, फिर उसे फेंक देते हैं, ये बहुत बड़ा माइंड फ्रेश करने वाला नुस्खा है और इस पर आप चल सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज चीज़ें याद नहीं रह पाती। कई लोगों को ये समस्या आती है कि हमें याद नहीं रहता, एग्ज़ाम में लिखने जाते हैं, तो वो उसके लिए ये बहुत ही
बढ़िया कारगर और सबसे टिकाऊ ये इजाद किया हुआ नुस्खा है। हमारे बड़े बुजुर्गों ने बहुत सोच समझ के इस पर काम किया होगा और आप उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी जो भी माध्यम हो, अंग्रेजी हिंदी कोई भी, लेकिन आप उस पर पूरा रिलाय करें, पूरी तरह से फोकस करें, चीज़ों को दिमाग में बिठा के रखें और क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखें। क्वेश्चन पेपर ये नहीं कि 10-15 साल का निकाल लें, 2-3 साल पर्याप्त होते हैं और 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर जब आप निकालेंगे, बर्डन नहीं होगा आप पर, बर्डन नहीं होगा तो आप सोचेंगे कि मुझे कितना करना है कितना नहीं। और जो 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर आप निकालते हैं उसमें से ही आपको ये मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन फ्री के मिल जाते हैं, तो उनको भी सोचिए। इसके बाद ये सोचिए कि अपने आप को ये सोच के चलना है, मुझे मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा अर्थात मेरी एक सीट पक्की है। लोग सोचते हैं अरे यार 10 लाख एग्ज़ाम देंगे, 50 लाख देंगे, अरे एग्ज़ाम देने तो सभी आएंगे। इसके बारे में कभी सोचा है कि एग्ज़ाम कितने लोग छोड़ते हैं? एग्ज़ाम भी बहुत लोग छोड़ते हैं, नहीं दे पाते, रह जाते हैं। आप सौभाग्यशाली होते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठे, इसलिए जब कभी भी एग्ज़ाम देने आए फ्रेश माइंड से आए, बोतल साथ में पानी की होनी चाहिए ताकि पानी आपको निरंतर मिलता रहे, और अपने कंफर्ट जोन में कभी ध्यान ना दें क्योंकि कंफर्ट जोन सबसे ज़्यादा दिक्कत करता है जब सेंटर में जाते हैं, सेंटर में वो चीज़ें नहीं मिलती। इसलिए एग्ज़ाम जब भी देने जाएं दिमाग में रखें कि हमेशा एक सीट मेरी है, दूसरे की वो सीट, आप चाहे 50 सीटें हों या फिर 100 सीटें, सीट तो आपको एक ही मिलेगी, इसलिए एक ही सीट पर काम करें और एक सीट को अपना पक्का मान के चलें। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आएगा, समझ में आए तो दूसरों तक अपनी ज्ञान का बढ़ाइए और उनके साथ शेयर भी करिए। बाकी अगर काम का हो तो आप सुनिएगा भी, और क्योंकि सुनने की शक्ति ही इंसान को सबसे पावरफुल बनाती है। इसी के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसीलिए इसे अपनाते रहिए। नमस्कार।